नमस्कार दोस्तों, तो मी 25G स्मार्टफोन आपको 25,000 में कैसे देखने को मिलेगा और आप 25,000 में बाई कैसे कर सकते हो, चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर जब भी कोई सेल आता है, छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो आपको मी 10T वगैरह पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फ़ोन कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर आपको पता चला है कि ये फ़ोन आपको 25,000 में मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं मिलता है। तो कैसे मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपके फ़ोन में फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर डाउन कर सकते हो, और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उन्हें करना क्या है, इस एप्लीकेशन को अपडेट करना है। इसके बाद आपको फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलना है, और फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको जब भी यहाँ पर कोई सेल आता है उसके दौरान आपको देखने को ये मिलता हुआ फ्लैगशिप डील के अंतर्गत आपको मी 10T आपको दिखा रहा होगा 25,000 का। जैसा कि अभी भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको पता चला कि मी 10T जैसा स्मार्टफोन आप काफ़ी सस्ते में यानी 25,000 में बाई कर सकते हो। अगर ये फ़ोन इस प्राइसिंग में मिल जाता तो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्लस में इसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, प्लस में इस फ़ोन में आपको LCD डिस्प्ले है। फिर भी इसका प्राइसिंग उतना ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन रियलमी के जितने भी फ़ोन होते हैं या फिर आगामी फ़ोन भी होते हैं उस पर भी आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाता है। अगर मी 10T आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है तो ये फ़ोन आपको ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको जो भी स्पेसिफिकेशन मिल रहा है वो काफ़ी बेहतरीन है। स्नैपड्रैगन 865 वाले जितने भी फ़ोन थे सभी का प्राइस ड्रॉप हो चुका है, नियर अबाउट आपको 25,000 के आसपास आ चुका है। लेकिन मी 10T एक ऐसा फ़ोन है जिस पर आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आपको 25,000 में आसानी से नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि फ्लैगशिप फ़ोन के अंतर्गत या फिर फ्लैगशिप डील के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मी 10T। ठीक है, ये 5G फ़ोन है, हालांकि इसमें आपको बैंड बहुत कम ही है, लेकिन तो भी फ़ोन जो है वह ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पर बता रहा है कि आपको मी 10T 5G स्मार्टफोन 25,000 में देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो पता चलेगा इसका जो एक्चुअल प्राइस है वह 32 या फिर 33 के पास है। तो इसका प्राइस ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। और ये फ़ोन अगर आपको 25,000 में मिल जाए तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि फ़ोन में आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन मिलता है जो अदर कंपनी आपको इस टाइम में प्रोवाइड नहीं करा रही है। जैसे कि आपको 64 MP का कैमरा है, लेकिन आपको यहाँ पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्लस में और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस पर आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उतना भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का कोई भी सेल आता है उसमें आपको लिखा हुआ ये मिलता है कि आपको मी 10T स्मार्टफोन आपको 25,000 में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा बरिकॉर्ड से, तो यहाँ पर जो बैनर है उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि आपको ये फ़ोन के साथ कुछ अन्य चीज़ लगाना होगा, तभी आपको 25,000 में मिल पाएगा। चलिए हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप फ्लैगशिप डील के अंतर्गत आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मी 10T सीरीज़ आपको मिलेगा 25,000 में। कैसे मिलेगा तो नीचे में बताया जा रहा है कि आपको इंक्लूड करना होगा बैंक डिस्काउंट, प्लस में एक्सचेंज ऑफर को। एक्चुअल में जो इसका प्राइसिंग है वह 32 या फिर 33 के पास है, और इस पर अगर आप बैंक ऑफर देखिएगा तो आपको यहाँ पर 2500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा है, और अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलेगा अगर आप फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बैंक डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे कोई भी सेल आता है तो उस पर आपको बैंक डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्रेडिट कार्ड से तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 25,000 में लेने के लिए आपको यहाँ पर एक्सचेंज भी करना होगा, तो मैंने अपने फ़ोन को यहाँ पर एक्सचेंज में भी लगा रखा हूँ। नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा जो Redmi Note 9 Pro Max है इसका 10,500 रुपये दे रहा है। इस हिसाब से मुझे ये फ़ोन काफ़ी सस्ते में मिल सकता है, तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि Redmi Note 9 Pro Max का यहाँ पर 10,500 रुपये लगाया है, प्लस में आपको यहाँ पर बताइए रहा है कि अगर आप पिन कोड अपडेट करते हो या फिर कुछ अन्य सवाल का जवाब देते हो तो 4500 रुपये और इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे ओल्ड फ़ोन या फिर फ्लैगशिप फ़ोन है जिस पर आपको कुछ इस तरीके का डिस्काउंट देने को मिलेगा कि अगर आप इंक्लूड करते हो बैंक डिस्काउंट को या फिर ओल्ड फ़ोन के साथ एक्सचेंज करते हो तो आपको फ़ोन काफ़ी सस्ते में मिल सकता है। तो मी 10T 5G स्मार्टफोन के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि वो फ़ोन आपको सस्ता में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंक्लूड करना होगा बैंक डिस्काउंट का, प्लस में आपको एक्सचेंज करना होगा किसी ओल्ड फ़ोन के साथ। तो यहाँ पर एक्सचेंज में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्राइसिंग दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर ही, और बैंक डिस्काउंट के तहत भी आपको 2500 का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है SBI के क्रेडिट कार्ड के साथ। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। वैसे फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
विशेषकर इससे जो कैमरा है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि डिस्प्ले वगैरह एलसीडी है तो ये फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, और 25,000 में अगर मुझे मिला तो मैं इसे ज़रूर परचेज करना चाहूँगा। आपका इस फ़ोन को लेकर क्या विचार है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। धन्यवाद।